क्यों भाई, सराय पाली वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, उन तक आवाज जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर भाजपा सरकार बनाने के निर्णय की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई, अब बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित भाई, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महासमंद श्रीमान चुनीलाल साहू जी, सांसद राज्यसभा ओडिशा से आज यही समाज के उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं भाई श्री निरंजन बसी जी। निरंजन भाई खड़े होइए, ताली बजाओ निरंजन भाई के लिए। आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, सब खड़े होना, भाई श्री प्रेमलाल सिद्धार्थ जी, ताली बजाओ भाई। जयदेव भोई जी, एनपी नेहरू जी, डॉक्टर हेमंत भोई, केदार कश्यप जी, बहन सरला देन, महेश गांगरा और अलका बेन चंद्राकर जी, और आज जहां तक नजर पड़े वहां तक मेरे आदिवासी भाइयों के मुंड ही मुंड दिखाई पड़े हैं। सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी, बड़ादेव और बूढ़ादेव के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद कुंडाधूर की भूमि के वासियों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जब यहां आया हूं तब छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के सभी आदिवासी भाइयों बहनों के मन में जिस मां सबरी के लिए बहुत श्रद्धा है, वो राम भक्त मां सबरी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं, आज इसलिए अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हुआ। ये अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ है। मित्रों, 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया था। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया
छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को, कितना मिलता था बताओ भाई, अरे जोर से बोलो कितना मिलता था। रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर 32% आरक्षण करने का काम आदिवासी किया। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा आए यहां पर, कुछ ना कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करनी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को इस भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था, हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों बताओ, दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगा वो हाथ ऊपर उठाए, जरा लगा है ना, एक पैसा देना पड़ा है क्या? और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई बताओ, कौन खा गया? जोर से बोलो कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए, जोर से बोलो देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को, अरे यहां कमल की सरकार लाओ। बताओ भाइयों बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट, आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी की नीति।
और इसीलिए धनुहर धनुवार किसान सोरा बिंजिया भुइनिया भुइया भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल आप अब कुछ नहीं करते हो, हमारे भुइनिया और भुइया भुवान और पंडो धनुहर और धनुवार किसान सोरा और बिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। कितने सालों से मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से 2003 से ये अन्याय था। 2003 में रमन सिंह जी ने अन्याय को जोड़ा मोड़ा जितना उनका अधिकार था इससे दूर करा, सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के दाखिले नहीं मिलते, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को पीढ़ियों तक नौकरी भी शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए, मेरे साथ बोलिए धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए हैं और पहली बार हमारे पास वाले उड़ीसा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी आजादी के 75 साल तक एक गांधी परिवार की सरकारें रही, कोई आदिवासी बेटी को कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी को मौका मिला, द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया। बहन रेणुका जी यहां बैठी है, यही के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, इसीलिए चिन्ना गहलोत, पीले मोर, हिरोली, बेदरे, डुक मरका, टोंडा मरका, ये सारे गांवों में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई पड़ा है। ये मोदी जी की समाज है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ कांग्रेस छोड़कर गई थी। कितना था भाई बोलो? 24,000। जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक लव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एक लव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया। और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी परिष्ट प्रणाली लागी और जो मिनरल पर जो खदानों में से मिनरल निकलता है उसका एक हिस्सा
मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करने की योजनाएं लाए और हमारे जब रमन सिंह जी थे तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम रमन सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं तेंदुपत्ता को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था भारतीय जनता पार्टी। मित्रों तेंदुपत्ता का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं पहली बार रमन सिंह जी आपको बोनस बारंबार मिलता था 2020 और 21 ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने बढ़ी हुई कीमतों का लाभ तेंदुपत्ता का नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। और कांग्रेस ने 2 वर्षों में 23 लाख मानांक बोरा 32 लाख मानांक बोरा 23 लाख मानांक बोरा ही खरीदा है और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानांक खरीदती थी। 14 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। रोजी रोटी छीनी है और 2017 में वन समितियों को माना पूरा 8000 रुपया मिलता था वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6000 रुपया मात्र रह गया। ये मैं आज मेरे आदिवासी भाइयों के लिए बताता हूं। भूमि वितरण वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13692 की औसत दर से 54700 बांटा था और 8 से 18 के बीच में हमने कई गुना 40158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओ का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ। मुझे बताओ भाई इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों मुझे बताओ आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जोर से बोलो किसने भेजा? बिजली किसने भेजी? गैस का सिलेंडर किसने भेजा? 5 किलो धान किसने भेजा? 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है? जोर से बोलो कौन उठा रहा है? आदिवासी कल्याण के सारे काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासी एरिया में आकर क्षेत्र में आकर आदिवासी भाइयों के साथ नृत्य करने से आदिवासियों का भला नहीं होता है? होता है क्या? जोर से बोलो होता है क्या? माताओं भाइयों बहनों कांग्रेस ने ढेर सारे प्रश्न लटकते रखे, इनकी लालची नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कई सारे कांग्रेसी नेता आदिवासियों की जमीन हड़प कर गए सालों तक अपने स्वार्थ के कारण, वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्ति की और ले जाने का काम किया और एक भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचारी सरकार मेरे साथ बोले भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए कैसी है? 500 करोड़ का घोटाला किया गरीबों के आदिवासियों के अनाज में, 5000 करोड़ का घोटाला किया गोदान में, 1300 करोड़
सभी कमीशन ने घोटाला किया, कोरोना केस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में नहीं होता था। मुझे बताओ ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं ये 12 जातियों को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था, छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था, मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे? इसका जवाब मांगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं, जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार। आप सभी से आग्रह होने के बाद धन्यवाद ज्ञापन करिएगा।